हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक आलू से बनी हुई क्रीम की रेसिपी बताऊंगी। ये आलू से बनी हुई क्रीम बहुत ही असरदार है और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन और एजिंग साइंस को जड़ से ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस बनाएगी। इस आलू की क्रीम को बनाना बहुत ही इजी है और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए आलू का रस। और अभी कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आलू का रस कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए आधा नींबू और उसके बाद आपको चाहिए विटामिन ई ऑयल। और अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से सिर्फ 20-30 रुपये की मार्केट में मिल जाती है। और अगर आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बादाम का तेल भी इस ऑयल की जगह यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ये वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पतंजलि का भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप प्योर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि आलू का रस कैसे बनाया जाए। और आलू का रस बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप एक कच्चा आलू लीजिए और उसको छील लीजिए। और आलू को अच्छे से छीलने के बाद आप उसके दो टुकड़े कीजिए और किसी ग्रेटर या कद्दूकस की मदद से आप उसको कस लीजिए। और आलू को अच्छे से कसने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। और अब मैं इस कसे हुए आलू को एक साफ कटोरी में डाल रही हूँ। और अब हम इस कसे हुए आलू को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे और इस तरह से इस आलू का रस निकाल लेंगे। और कसे हुए आलू को अच्छे से छानने के बाद आपका आलू का रस तैयार है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब हम आलू की क्रीम बनाते हैं। और इस आलू की क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साफ कटोरी में 1 से 2 बड़े चम्मच आलू का रस ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। आधा नींबू निचोड़ने के बाद आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल डालना है, या आप बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। और लास्ट में आपको इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से कंबाइन हो जाए और एक बहुत ही स्मूथ, लम फ्री, क्रीमी और फ्लफी पेस्ट बनाए। और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस क्रीम के अंदर थोड़ा सा और आलू का रस डाल रही हूँ और फिर अगेन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक स्मूथ और क्रीमी मिक्सचर बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी आलू की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी होनी चाहिए और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी। तो चलिए अब जानते हैं इस क्रीम को स्टोर कैसे किया जाए। इस क्रीम को स्टोर करने के लिए आपको एक एयरटाइट कंटेनर चाहिए और यहाँ पर मैं एक ये स्मॉल एयरटाइट कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। और अब इस क्रीम को इस एयरटाइट कंटेनर में डाल रही हूँ। और इस क्रीम को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख कर 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इस क्रीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी और ई है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड बनाते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्रीम हमारे स्किन को ब्राइटर, टाइटर और मॉइस्चराइज्ड रखने में मदद करती है और हमारी स्किन को क्लियर और ब्लेमिश फ्री बनाती है, जिससे कि हमारे चेहरे पर से सारे दाग धब्बे, फाइन लाइन्स और किसी भी प्रकार स्पॉट्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से सिर्फ कुछ दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
इस क्रीम के अंदर आलू और नींबू का मिश्रण है और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे चेहरे पर से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम्स को सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर जड़ से खत्म कर देती है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को हटाने के साथ साथ ये क्रीम आपकी स्किन टोन को इवन बनाएगी और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर और ग्लोइंग भी बनाएगी। ये आलू की क्रीम बहुत ज़्यादा असरदार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उन क्रीमों से जो कि आपको मार्केट में मिलती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और केमिकल से भरी होती है। इस क्रीम के अंदर आलू और एलोवेरा जेल का मिश्रण भी है, जो कि हमारे एजिंग साइंस को, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है और हमारी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, रेडिएंट, फेयर और स्पॉटलेस सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही आसान है, आपको बस ज़रा सी ये क्रीम लेनी है और अपनी स्किन पर अच्छे से इसको 30 से 40 सेकंड के लिए मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में, ताकि ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रेडिएंट ग्लो मिले। और अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है। और अगर आप इस क्रीम को रात भर के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए अपने चेहरे पे छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपको इस क्रीम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले कुछ ही समय में। और अगर आप इस क्रीम से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सबसे पहले एक सुबह और दूसरी बार आपको रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।